साथियों नमस्कार, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम माइक्रोवेव ओवन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक माइक्रोवेव ओवन करीब करीब सभी घरों में होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुकिंग यूनिट है। इसमें मेन पार्ट्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। पहला लाइन फिल्टर होता है, मेन फ्यूज होता है और पावर कार्ड होता है। पावर कार्ड से सप्लाई दी जाती है और लाइन फिल्टर जो है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को रोकने का काम करता है। प्लस यदि माइक्रोवेव में कुछ ट्रबल होता है तो उस केस में मेन फ्यूज जो है ब्लो आउट हो जाता है और माइक्रोवेव यूनिट को सेफ कर देता है। दूसरा, इसमें मेन कंट्रोलर होता है, पीसीबी होती है, कीपैड होता है और डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले जो है सभी चीज़ों को हमको दिखाता है कि कौन सा मीनू चल रहा है, माइक्रोवेव में है कि ग्रिल में है कि कन्वेक्शन में है, प्लस कितने टाइम के लिए सेट किया गया है, कितनी वैल्यू पर सेट किया गया है। कीपैड से हम डाटा फीड करते हैं कि हमको कौन सा मीनू चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए कि ग्रिल चाहिए कि कन्वेक्शन चाहिए। प्लस माइक्रो कंट्रोल यूनिट जो होता है पीसीबी में, वो पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि किस समय माइक्रोवेव को चालू करना है, कितने देर के बाद बंद करना है, टाइमिंग सेट को चेक करना है, प्लस ग्रिल कब चालू करना है, कन्वेक्शन कब चालू करना है, सारी चीज़ें माइक्रो कंट्रोल पीसीबी से द्वारा कंट्रोल होता है। तीसरे, सेफ्टी इंटरलॉक जो होते हैं, डोर को जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर तीन लिमिट स्विच होते हैं जो कि ऑपरेट हो जाते हैं। उससे एक तो मेन पीसीबी को सिग्नल भेजता है कि इसका डोर ओपन है, दूसरा माइक्रोवेव का जो सप्लाई है उसको कट करता है, और तीसरा स्विच जो है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता है। इससे किसी भी कंडीशन में माइक्रोवेव कैविटी के अंदर माइक्रोवेव प्रोड्यूस नहीं होगी, जिससे जो वर्किंग ऑपरेटर है या जो भी यूज़ कर रहा है माइक्रोवेव को, वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। और माइक्रोवेव कंट्रोल यूनिट जो है जिसमें माइक्रोवेव जनरेट होता है, उसमें तीन पार्ट मुख्य होते हैं। पहला एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, ये 220 वोल्ट सप्लाई लेकर के करीब 2200 से 2400 वोल्ट सप्लाई आउटपुट देता है। दूसरा हाई वोल्टेज डायोड होता है, तीसरा हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है। हाई वोल्टेज कैपेसिटर 1.1 माइक्रोफैराड का होता है और करीब 2400 वोल्ट का होता है। डायोड का PIV जो है 6 KV होता है और एक मैग्नेट्रॉन होता है। मैग्नेट्रॉन का ही मेन काम है माइक्रोवेव वेव्स को प्रोड्यूस करना। मैग्नेट्रॉन में एक फिलामेंट होता है जिसको 3.3 वोल्ट सप्लाई देते हैं और साथ में -4800 वोल्ट इसके कैथोड को दिया जाता है जो कि फिलामेंट खुद है। प्लस इसका जो एनोड होता है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो वोल्ट कैपेसिटर और डायोड है, ये दोनों मिल करके वोल्टेज डबलर का काम करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर से 2400 वोल्ट पैदा होता है वो डायोड और कैपेसिटर के द्वारा डबल होकर के 4800 वोल्ट हो जाता है और वो वोल्टेज मैग्नेट्रॉन में जाता है। इस हाई वोल्टेज के द्वारा इसमें मैग्नेट्रॉन में फिलामेंट से पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस हाई वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स जो है माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ग्रिल सेक्शन होता है, ग्रिल हीटर में एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि माइक्रोवेव की कैविटी के ऊपर के हिस्से में फिट होता है। इससे फूड आइटम को कुक किया जाता है। प्लस कन्वेक्शन हीटर होता है जो कि इसके माइक्रोवेव के पीछे साइड में फिट होता है। इसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है, एक सर्कुलेटिंग फैन होता है। सर्कुलेटिंग फैन से हॉट एयर जो है कैविटी के अंदर रोटेट करती है और हॉट एयर से हीटिंग होती है फूड की, इसलिए इसको कन्वेक्शन कुकिंग कहते हैं। इसके अलावा एक टर्न टेबल होता है और दो थर्मोस्टेट होते हैं जो कि मैग्नेट्रॉन के टेम्परेचर को सेंस करके ऑन ऑफ करते हैं। प्लस एक लाइट होता है जो कि कैविटी के अंदर में जलते रहता है, जिससे अपने को पता चलता है कि खाने का किस तरह से कुकिंग हो रही है। इसके अलावा एक कूलिंग फैन होता है जो कि मैग्नेट्रॉन को कूल करता है। इस तरह से इसमें मोटा मोटी माइक्रोवेव के यूनिट के बारे में बताया गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सर्किट डायग्राम बना करके किस तरह से माइक्रोवेव बनती है उसको कम्प्लीटली समझाऊँगा। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो कृपया इसको लाइक करिए, और मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।